माय स्वीट होम एंड डेकोर चैनल पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम बना लेंगे दिवाली की फेमस और बहुत ही स्पेशल रेसिपी। बना लेंगे हम गुजिया। बहुत ही खस्ता और करारी गुजिया है ये। आप भी जरूर इसको ट्राई करना और कई दिनों तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अंदर हमने बहुत ही टेस्टी फिलिंग को फिल किया है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैदा। मैदा मैं ले रही हूँ यहाँ पर 4 बड़े चम्मच से, सर्विंग स्पून होते हैं उससे मैंने लिया है यहाँ पर 4 बड़े चम्मच मैदा। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो मैदे में हम ऐड कर लेंगे नमक। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ जस्ट 1/4 टीस्पून जितना नमक, और इसमें ऐड कर लेंगे हम घी। घी मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ 3 टीस्पून, और इन सारी चीजों को हम हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक क्रम्बली सा टेक्सचर आने तक इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। घी और मैदा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून और घी ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो पूरे हमने यहाँ पर 4 टीस्पून घी डाला है इसमें। डो बना लेंगे उतने ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हमारे रेसिपी बनके तैयार होगी। देखिए इस टाइप से आपकी बन जानी चाहिए। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। हम इसमें डालकर इसको भून देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करके इसको एक कड़क सा दो बना लेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स डो हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे और हम बाकी चीजें भी अभी तैयार कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल बटन है उसे ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए आगे का प्रोसेस फटाफट से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स गुजिया का मिक्सचर बनाने के लिए द स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ली है, सारी की सारी बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं। तो देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया है रोस्टेड चना दाल, इसे फुटाना भी कहते हैं। तो ये 1 बोल लिया है, और यहाँ पर लिया है हमने सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ, वो भी 1 बोल लिया है। और लिया है यहाँ गुड़ जैगरी, इसको मैंने कस लिया है, कद्दूकस कर लिया है। और अगर आपके पास पाउडर गुड़ है तो वो भी आप 1 बोल ले सकते हैं। और यहाँ पर थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं 15 से 20। और यहाँ पर लिया है मैंने इलायची, इसको भी हम इस मिक्सचर के साथ ही पीस लेंगे। तो चलिए मिक्सचर बना लेते हैं। तो मिक्सी जार में हम डाल लेंगे रोस्टेड चना दाल 1 बोल, और ये बादाम हमने लिए थे, और इलायची 4 इलायची लिए हैं मैंने। और डालेंगे हम यहाँ पर सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ। इन सारी चीजों को हम एक बार मिक्सी कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मिक्सचर को पीस लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी जैगरी। तो ये नरम वाला गुड़ है, अगर आपके पास पाउडर गुड़ है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। 10 मिनट हो चुके हैं तो हाफ हम इससे निकाल लेंगे, दो, और इसे हम गोले बना लेंगे। तो सारे गोलों को हम इस टाइप से गोले के आकार में बना लेंगे। अगर आपके पास गुजिया की मशीन है तो आप उससे भी बना सकते हो, नहीं तो आप हाथ से भी इसको इजीली बना सकते हैं। देखिए ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली। तो ऐसा मेरे पास यहाँ गुजिया का एक सांचा है, तो इस पे मैं डाल दूंगी ऐसे। तो फ्रेंड्स देखिए इस टाइप से मैंने सांचे में पूरी को डाल लिया है। अब मैं ये जो मिक्सचर बनाया है इसे गुजिए में फिल कर दूंगी। आपको जितना मिक्सचर पसंद है कम या ज़्यादा उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा अपनी पूरी को इस साइड से एडजस्ट कर लीजिए ऐसे। ये जो ऊपर का है हिस्सा इस टाइप से ऊपर से डाल। तो अब हम साइड्स को ऐसे थोड़ा सा हल्के से प्रेस कर लेंगे ताकि प्रेस कर देंगे अच्छे से। और साइड्स में जो है आटा उसको हम इस टाइप से निकाल देंगे, ऐसे निकाल लेंगे। और तब तक हम इसको खोलेंगे नहीं। साइड्स को अच्छी तरीके से प्रेस कर लीजिए और इसके बाद इसको हम धीरे से खोल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स गुजिया तैयार है बिल्कुल। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं और बाकी भी ऐसे ही बना लेंगे। तो एक और मैं बना के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो ऐसे हम भर लेंगे मिक्सचर कर लेंगे और ऊपर से डाल देंगे और चारों तरफ से इसको प्रेस करके और साइड्स में जो है हम इसको निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से आ रहा है गुजिया। सारे गुजिया हमने इस तरीके से बना के एक प्लेट में तैयार कर लिए हैं। हम ऑयल को गरम कर लेंगे और इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स तेल यहाँ हमारा गरम हो चुका है, हम गुजिया को इसमें डाल लेते हैं। धीरे धीरे डालेंगे। तो एक साइड से हल्के गोल्डन कलर आने पर हम इनको धीरे से पलटा लेंगे तरीके से।
बहुत हल्के से करेंगे। सुंदर कलर आ चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए इस टाइम पर हम इसको निकाल लेंगे। स्वादिष्ट गुजिया और बहुत हेल्दी फिलिंग के साथ हमने इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स दोनों साइड से हम इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो बाकी भी फ्रेंड्स इस टाइप से मैं फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स सारे गुजिये तैयार हो चुके हैं, चलिए इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स दिवाली स्पेशल गुजिया तैयार है, आप भी ज़रूर इसको ट्राई करना और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और इसकी फिलिंग्स हम कई तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से भी आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है और बहुत सारे दिनों तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और मेरे नए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल बटन है उसे जरूर हिट कर देना। तो मिलती हूँ फिर अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।